हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस आर अबाउट अ डायमेट्रिक एक्सिस इज 25 केजी मीटर स्क्वायर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट अ पैरेलल एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर बाय 2 फ्रॉम द सेंटर इज। सो बच्चों, कंसीडर करनी है हमें एक डिस्क। मान लेते हैं ओ इस डिस्क का सेंटर है और ए बी इसका डायमीटर है। सो जब ये रॉड ए बी के अबाउट रोटेट होगी तो गिवन है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई डाई इक्वल्स टू 25 के जी मीटर स्क्वायर। अब अगर इस डिस्क का मास मान ले एम, रेडियस हमें गिवन है आर, तो इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं हम एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब बच्चों, इस डिस्क में हमें एक पैरेलल एक्सिस एज्यूम करना है इस डायमीटर से, जो कि सेंटर से आर बाय 2 डिस्टेंस पर है। तो आर बाय 2 डिस्टेंस हो गया और यहाँ से एक एक्सिस पास होता है इस तरह से, पैरेलल एक्सिस, और फाइंड करना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में। तो इसको लिख लेंगे हम आई इक्वल टू आई डाई प्लस एम एच स्क्वायर। अब यहाँ हमने कौन सा थ्योरम अप्लाई किया है? दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखते हैं आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, जहां आई सी सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एच ये दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एच की वैल्यू आर बाय 2 है। तो आई डाई को हम क्या लिख देंगे, 25 प्लस मास के प्लेस पर हम ले रहे हैं एम मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर को लिख देंगे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो एम आर स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू क्या है, 25 है। सो दिस इज 25 प्लस 25, इट मींस दिस विल बी 50 के जी मीटर स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। थैंक यू।